हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल नुस्खे में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सफेद पानी से छुटकारा पाने का बहुत ही आसान सा उपाय। फ्रेंड्स, ज्यादातर ये बीमारी जो है महिलाओं में होती है और जेंट्स में भी होती है दोस्तों, उसको धातु रोग कहा जाता है, लेकिन इसे हम लिकोरिया सफेद पानी की शिकायत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खास करके महिलाओं को जब ज्यादा ही सफेद पानी आता है हमारी योनि से दोस्तों, तो हमारी योनि में बदबू भी होती है, उस पानी में अजीब सा चिपचिपा सा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी शरीर को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, हमें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, हमारे कमर में भी दर्द रहने लगता है लिकोरिया की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को देख करके अपने लिकोरिया की बीमारी से छुटकारा पालेंगे। बहुत ही जल्द, बहुत आसान सी रेमेडी है, सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत है इसमें और दोनों ही चीजें आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके इतनी सारी वीडियोज लेकर आते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आपको देते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक गिलास पानी। दोस्तों, ये पानी जो है ये सादा नॉर्मल पानी है, आपको गर्म पानी नहीं लेना है, ना ही आपको पका हुआ पानी लेना है, आपको सादा पानी लेना है। अपने नल से भर लीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या लेना है, उसके बाद में आपको लेना है सौंफ। जो सौंफ जो हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, ये वही सौंफ है दोस्तों। ये सौंफ जो है हमारे सफेद पानी की शिकायत को बड़ी ही तेजी के साथ खत्म करती है दोस्तों, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ये आपकी धातु रोग की परेशानी जो है लिकोरिया की, उसको खत्म करेगा। तो दोस्तों, हमें क्या लेना है, हमें लेना है सौंफ। सौंफ को आपको लेना है एक चम्मच, एक गिलास में डाल देना है, और एक चम्मच और लेना है हमें सौंफ का, दो चम्मच लेना है। दो चम्मच भर करके आप सौंफ इस पानी में डाल दीजिए। इसके बाद में आपको एक चीज और लेनी है, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको उसके बाद लेना है मिश्री। मिश्री भी आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको इतनी मात्रा में, यानी कि लगभग आप अपने अंदाजे से एक चम्मच के करीब ये ले लीजिए मिश्री, और मिश्री को आपको इसके सौंफ के पानी में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको पकाना नहीं है, आपको इसको ऐसे ही शाम को बना करके रखना है, यानी कि आप शाम को इस तरीके से एक गिलास पानी में सौंफ और मिश्री को डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको पूरी रात के लिए ढककर रख दीजिए, किसी भी बर्तन से आप ढक दीजिए फ्रेंड्स, और सुबह को खाली पेट जब आप उठेंगे तो आप इसको छान करके इस पानी को पी लीजिए। और दोस्तों, आपकी एक से डेढ़ हफ्ते के अंदर ही सफेद पानी की जो शिकायत है वो बहुत ही जल्द कम होती हुई नजर आएगी फ्रेंड्स, आपको खुद फायदा दिखेगा आपके लिकोरिया में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।